एफआईआर में पूरी वारदात का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। इस मामले में पकड़े गए दो आरोपियों के नाम भी सामने आ गए हैं, गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप। इस वक्त आपके सामने ये जो तस्वीर है आप देखिए, यही वो तीनों शूटर्स हैं। शूटर नंबर वन फरार बताया जा रहा है, जबकि शूटर नंबर टू जिसका नाम धर्मराज है गिरफ्तार हो चुका है, और शूटर नंबर तीन गुरमेल सिंह सिर्फ, आप देखिए इन तस्वीरों को देखिए, जी न्यूज पर शूटर्स की पहचान हो गई है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें और जानकारी हमारे पास है। तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे कौन है ये बड़ा सवाल, लेकिन इन सब के बीच शूटर नंबर वन टू थ्री इन तीनों की तस्वीर इस वक्त जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। शूटर नंबर वन फरार है फिलहाल, लेकिन शूटर नंबर टू धर्मराज और शूटर नंबर थ्री गुरमेल, ये तीनों ही दोनों ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस कई घंटों से इनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि गुरमेल सिंह की उम्र 23 साल बताई जा रही है, व्हाइट शर्ट में जो आपको नजर आ रहा है, ब्लैक शर्ट में। और इसी के साथ साथ धर्मराज, इसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला, एक हरियाणा एक उत्तर प्रदेश, और तीसरा फरार है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यही कि आखिर कौन थे ये लोग, किन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की है पूरा का पूरा। देखिए तो ये तस्वीर आपके सामने है, और शूटर वन फरार है, इसकी तलाश की जा रही है। शूटर नंबर दो शूटर नंबर तीन गिरफ्तार हो चुके हैं, धर्मराज गुरमेल, और इसी के साथ साथ इनसे मुंबई पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा दोनों ही जगहों से ये लोग जुड़े हुए हैं। इन सब के बीच तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत चौहान जी, आपसे ये सवाल पूछूंगी कि देखिए अब तो तस्वीरें सामने आ गई है, मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है क्या ये कहा जा रहा है? मुंबई पुलिस पर भरोसा है तभी ये कार्रवाई आगे चल रही है, लेकिन इन सब के बीच नेता क्या सुरक्षित नहीं है महाराष्ट्र में? ये सवाल तो खड़ा हो जाता है। शिवांगी जी, महाराष्ट्र में नेता भी सुरक्षित है और आम जनता भी सुरक्षित है। देखिए, ये समय है बाबा सिद्दीकी जी के परिवार के साथ खड़ा रहने का, और इस विषय में मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि और कोई कारण या और कोई ऐसे वाकयात महाराष्ट्र में दिखाई नहीं देते, इसलिए इतने संवेदनशील विषय पर विरोधक, जबकि हमें पुलिस के साथ खड़ा रहना चाहिए, बाबा सिद्दीकी जी के परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए, वो इस विषय में राजनीति कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अजीत जी, बाबा सिद्दीकी का परिवार जो है वो भी आज यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये घटना क्यों हुई। पीके जैन जी, आपके पास लौटूंगी मैं। अजीत जी, आप बने रहिए हमारे साथ, बड़ा सवाल यही हो रहा है। अजीत जी, लौटूंगी मैं आपके पास। पीके जैन जी, बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि देखिए गैंगवॉर की बात सामने आ रही है, तो ये जो पूरा का पूरा रेकी करना, उसके बाद पिस्टल इन्हें मिलता है, और उसके बाद आप देखिए पूरी जानकारी सामने आती है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, मैंने पहले ही कहा आपसे कि यहाँ पे जहाँ भी एक वैक्यूम खड़ा होता है वहाँ पे लोग उसे, दूसरे गैंगस्टर उसे भरने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले भी कोशिश हो चुकी है, मुंबई पुलिस ने उसका करारा जवाब दिया, केसेस को सॉल्व किया, ये केस भी सॉल्व होगा। देखिए, इंसिडेंट्स को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, खासतौर पर अगर शूटर या करने वाला व्यक्ति अगर सिर पर कफन बांध के आया हो कि मुझे पकड़ा गया या मारा गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसी सिचुएशंस को प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसको सॉल्व करना, उसके पीछे जाना, उसके पीछे कौन लोग हैं उनको पकड़ना, इस पूरी चेन को सामने लाना और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना, ये पुलिस का काम है। वो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 12 टीम बना दी गई है, टीम अलग अलग पहलुओं पर विचार कर रही है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम उसके ऊपर काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा जो इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी है वो सामने आएगी, लोग पकड़े जाएंगे। और मेरा ये कहना है कि देखिए, 10 साल से अगर शहर में शांता है तो एक इंग्लिश में कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। अब एक केस में अगर या इक्का दुक्का केसेस में अगर पुलिस, कोई घटना हो गई और पुलिस उसको ना सॉल्व कर पाती तो दूसरी बात थी, जहां घटना हुई सॉल्व कर ली गई उसको वहीं प्लग कर दिया गया। आप सभी के पास लौटेंगे, संजय राउत इस वक्त कुछ कह रहे हैं शिवसेना के नेता, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। उसका मतलब क्या है, हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्यूर है, मुख्यमंत्री का फेल्यूर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनेगारीकरण किया है आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा, दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है, उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। आप तक मैं ये कहता रहा हूँ, हम ये कहते रहे हैं भाई कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है,
उनका उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है। अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए। राव साहब, बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की दोस्ती थी, हालांकि दिनों में दिख रहा है कि बिश्नोई गैंग सलमान खान के पीछे पड़ा है, तो क्या लगता है? कोई भी किसी के पीछे पड़े उसका मतलब ये नहीं कि दिन दहाड़े हत्या हो। अगर हत्या होती है तो उनकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। उसका मतलब मुंबई में गुंडागर्दी चल रही है, मुंबई में गैंग्स ऑपरेट हो रही है और पुलिस निष्क्रिय है। इसलिए कि जो पुलिस, चाहे डीसीपी हो चाहे एडिशनल सीपी, जो मुंबई में लाकर बिठाए हैं, वो एकनाथ शिंदे के गैंग के मेंबर्स हैं। सर, महाविकास अघाड़ी के आज बैठक है, क्या फर्स्ट लिस्ट जारी हो सकती है? देखिए, आज हम नहीं करेंगे, इसलिए कि बाबा सिद्दीकी का जिस प्रकार की आज कल दुखद घटना हुई है, उसी इलाका में हम आज मिलने वाले थे, बैंड्रा में मीटिंग तो हम मीटिंग नहीं करेंगे, लेकिन हम जरूर प्रेस को संबोधित करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। अजीत जी, यहाँ पर आप देखिए, संजय राउत तो ये कहते आए हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और गवर्नर को हस्तक्षेप करना चाहिए, कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, संजय राउत एक बड़बोले नेता है, ये खुद जमानत पर बाहर है। इनके गृह मंत्री 100 करोड़ की फिरौती के आरोप में जेल में थे। क्या संजय राउत की नैतिक ताकत है? मुझे तो ऐसा लगता है, ये संजय राउत जो है ये एक तरीके से बड़बोले नेता है, और संजय राउत इस बात पर जवाब दे, उनकी सत्ता होते हुए साधुओं का हत्याकांड हुआ महाराष्ट्र में, संजय राउत क्या आपके मुख्यमंत्री ने उस समय इस्तीफा दिया था? मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, किशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। किशोर तिवारी जी, अजीत जी के सवाल का जवाब आप ही देंगे। कोई और कारण इनके हाथ में नहीं होता, संजय राउत जवाब देने को कहा। ठीक है अजीत जी, लौटेंगे आपके पास। किशोर तिवारी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, संजय राउत जी ने जो मैंने कहा था उसकी रीखींची है। महाराष्ट्र में गृह विभाग में ठीक चल नहीं रहा, इनको पुलिस का बंदोबस्त दिया गया था ऐसा ये कह रहे हैं, तो पुलिस बंदोबस्त में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, ये भी बात है। दूसरे एकनाथ शिंदे के राइट हैंड और बहुत करीबी जो विधायक भी है, तो वो कृष्णा हेडगे कहते कि मैं सिक्योरिटी मांग रहा हूं, मुझे सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। क्या चल रहा है ये? और ये नाकामी किसकी? तो भी अकाउंटेबिलिटी पीके जैन साहब को मैं बोलूंगा कि अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए, मैटर को सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ब्रिजमोहन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। ब्रिजमोहन जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि गैंग वॉर है, दूसरी ओर ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि जो SRA का प्रोजेक्ट है उसको लेकर कहीं ना कहीं निशाना बनाया गया, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, SRA प्रोजेक्ट में क्या मामला था ये तो जांच का बिंदु है, लेकिन मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। ये बात बिल्कुल सच है कि कानून व्यवस्था और अपराध होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। मुंबई की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है और उसमें किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये NCRB का जो आंकड़े हैं वो ये बोलते हैं कि 34% गिरावट आई है अपराधों में। जो अपराध होते थे 2022 में, 2023 में उसमें 34% की गिरावट है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये घटना घटी है। निश्चित रूप से सरकार को इस पे, सरकार इसके लिए गंभीर है। और ये बात भी सच है कि जो पुलिस का संरक्षण उनको दिया था, उनमें यदि जो पुलिस उनके साथ जो PSO थे, अगर उनकी कोई गलती हुई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इस पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि विवेक कोडे जी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक कोडे जी, महाविकास आघाड़ी की जब सरकार थी तो आप लोग कहते कि सुरक्षा क्या तब पुख्ता इंतजाम थे, और आज कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और इसी को लेकर अब देखिए संजय राउत ने कह दिया कि गृह मंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। देखिए, यहाँ दो बातें कही गई। एक बात यह है कि ये इक्का दुक्का इंसिडेंट है, इसलिए उसको लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। देखिए, सिद्दीकी जी एक लोक प्रतिनिधि थे और इस महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री थे, उनको वाय सुरक्षा दी गई थी, फिर भी उनकी हत्या हो गई, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का टोटल फेल्यूर। और दूसरी बात, हमारे भाजपा के प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे, हम इसका जिम्मा गृह मंत्री में थोड़ी सी भी अगर नैतिकता बची है तो उन्होंने लेना चाहिए और उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। और संजय राउत जी ने एकदम बराबर कहा
कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते क्योंकि उनमें कोई नैतिकता है नहीं, नहीं देते जी, तो राज्यपाल ने हस्तक्षेप करके उनको निकालना चाहिए वहां। देखिए किस तरह से प्रणय अजमेरा जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, कांग्रेस से लंबा उनका नाता रहा है और जीशान सिद्दीकी कांग्रेस से ही जुड़े रहे, उसके बाद तल्खियां आई और उसके बाद उन्होंने एनसीपी का दामन थाम लिया। क्या बदलाव आपने देखा और किस तरह से जब से वो एनसीपी से जुड़े हैं उसके बाद भी राजनीतिक महकमे में हलचल थी, विधानसभा चुनाव को लेकर भी हलचल थी, लेकिन एनसीपी के साथ जो हालिया उनका रिश्ता था उसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे आपसे। देखिए बाबा सिद्दीकी जी जरूर आज ऑफिशियली एनसीपी अजीत पवार गट में शामिल हो गए, किंतु कल आपने देखा होगा कि अलग अलग पार्टी के नेता अस्पताल पहुंच रहे थे। जैसे ही यह खबर आग की तरह फैली वैसे ही कांग्रेस के, बीजेपी के और अन्य दलों के नेता भी अस्पताल पहुंच रहे थे। इससे जग जाहिर यह बात होती है कि बाबा सिद्दीकी जी पार्टी के ऊपर संबंध निभाने वाले नेता थे और जनता से जुड़े हुए नेता थे। यह जो हत्या हुई है यह ऑर्गेनाइज्ड वे में हुई है। पिछले 15-20 दिन से, दो महीने से अगर किसी की रेकी की जाती है, 9 दिन पहले अगर हत्यारों को हथियार मुहैया करा दिए जाते हैं और पुलिस प्रशासन को इसकी कोई भी खबर नहीं पड़ती है, तो निश्चित रूप से यह पुलिस प्रशासन का भी फेलियर है और पुलिस प्रशासन को कंट्रोल करने वाले गृह मंत्रालय का भी फेलियर है। बिल्कुल, और फिर तमाम नेता कहते हैं कि इस मुद्दे पर बहस नहीं होनी चाहिए। पीके जैन जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, देखिए लंबे समय से मुंबई पुलिस पर जो जनता को भरोसा है वो हमेशा से रहा है और मुंबई पुलिस अपने काम को बखूबी निभाती है, लेकिन इसी के साथ साथ विवेक कोडे जी सवाल यही खड़ा होता है कि मुंबई पुलिस पर भरोसा तो है लेकिन तफ्तीश के बीच में ही इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। आप कह रहे हैं राजनीति नहीं करना चाहिए, चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब संजय राउत तो कह रहे हैं कि गृहमंत्री को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, तो क्या इस पर राजनीति नहीं हो रही है? ये राजनीति ही तो है। देखिए मैंने कब कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस सरकार का ये फर्ज है लॉ एंड ऑर्डर करना और अपने जनता का पूरा समर्थन करना, जनता का संरक्षण करना। अभी वो बिल्डर थे या उनके डिस्प्यूट थे वो सब बात अलग है, जो घटना हुई है वो घटना बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर को कलंक लगाने वाली है। इस कलंक का जिम्मेदारी ठीक है, इसका जवाब अजीत जी से लेना चाहिए। और कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब हुई है, कलंक लगने वाली है, घटना है, कैसे जवाब देंगे आप लोग? मुझे लगता है चर्चा निष्पक्ष होनी चाहिए। देखिए बार बार पीके जैन जी महाराष्ट्र के बहुत ही सीनियर ऑफिसर थे, रिटायर्ड डीजीपी है वो, उनके मुद्दे तो ये लोग नकार नहीं सकते। मुझे विवेक कोरडे जी से और ठाकरे गुट के प्रवक्ता है उनसे भी मुझे ये कहना है कि आपका जब सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार होते हुए महाराष्ट्र पे आतंकी हमला हुआ। हर 26 जनवरी 15 अगस्त को कांग्रेस के शासन में हम डर डर के मुंबई कर जीते थे, कहां बम फट जाएगा, हम कहां मर जाएंगे। उसके मुकाबले आंकड़ों के साथ हमने ये बार बार कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी है और वो सही मायने में अच्छी है। और मेरी मीडिया से भी ये गुजारिश है, देखिए मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, अगर आप इस तरीके से मुंबई का, आपको बस बता दूं मैं भी एक मुंबई का ही हूं और मुंबई में रह चुकी हूं और मुंबई को बहुत अच्छे से कवर किया है। कृष्णा हेगड़े जी, मुंबई की जो हालात है इस वक्त, पिछले 10 सालों में आप खुद एक मुंबई का होने के नाते जरा बताइए, आपको नहीं लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है मुंबई में उसमें बड़ी तब्दीली देखने को मिली है और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं? नहीं, मैं तो कहूँ कि जो पहले गैंग वॉर होता था और एक्सटॉर्शन कॉल्स आते थे, अभी तो वो सब बंद हो चुके हैं। ये जो पहले तरीके से एक्सटॉर्शन कॉल आते थे सभी को, ऐसे अभी किसी को कॉल आते नहीं हैं। लेकिन जो संजय राव जी कहते हैं, तो संजय राव जी के मैं बारे में बोलता हूँ, खुद बेल पर है। दूसरी बात यह है कि देखो खिचड़ी घोटाला या हर पत्रा चावल घोटाला सभी में संजय राव जी का हाथ है। उसके अलावा जो ये हमारे उद्योगपतियों के घर के नीचे बॉम्ब रखना, साधुओं की पालघर में हत्या करना, ये किसके कार्यकाल में हुआ है? उद्धव ठाकरे जी के तो कार्यकाल में हुआ है। और संजय किशोर तिवारी जी जवाब दीजिए, और इसी के साथ साथ इस मुद्दे पर कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी जो कि सभी के चहेते थे, इस मुद्दे पर भी अब देखिए संजय राउत आते और सीधा कहते हैं कि गृहमंत्री अपना इस्तीफा दे दे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहां पर खराब हो चुकी है, गवर्नर इसमें हस्तक्षेप करे। लेकिन पहला सवाल यही होना चाहिए कि पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है और कब जल्द से जल्द जो आरोपी है वो गिरफ्त में आएंगे? तो राजनीति तो सभी दल कर रहे हैं इस मुद्दे पर। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, एसआरए के प्रोजेक्ट में तो गौतम अडानी है और बिल्डर बोलकर तो मंगल प्रभात लोढ़ा भी है, लेकिन हत्या बाबा सिद्दीकी की होती है। क्या मैसेज देती है सरकार
अब हवा सिद्दीकी जो कह रहे थे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेके कि मेरे जान को खतरा है, ये अपने नेता को बचा नहीं सकते, ये हमें क्या बचाएंगे। यहाँ पे कृष्णा हेड़गे कह रहे कि मुझे भी सिक्योरिटी दो। मैडम हालात जमीन पे बहुत खराब है। सरकार होते हुए आपने अंबानी जी के घर के नीचे बम रख दिया। इस बड़ी बहस को हम लगातार ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन इसी बीच पॉलिटिकल रिएक्शंस बहुत सारे सामने आ रहे हैं, दर्शकों को सीधे वो सुनवा देते हैं। इस हत्या से कई सवाल आज उठ गए हैं, और जिस प्रकार पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्राथमिक तथ्य आए हैं, उस तथ्य के आधार पर एक बात साबित होती है कि एक बड़ी साजिश से उनकी हत्या की गई है। जो आज मैंने देखा तो उससे पता चला कि उनको इस हत्या के पहले कुछ चंद दिन उनको धमकियां दी गई थी। अभी इन धमकियों और इससे कोई ताल्लुकात है क्या, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा। Z News.